हेलो एवरीवन, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। ये वीडियो जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये पिछले वीडियो से लिंक करता हुआ अगला वीडियो है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी अपडेट होगा उस वीडियो पर या फिर उस खबर पर, तो वो मैं आपको जानकारी जरूर पहुंचाऊंगी। तो इसीलिए ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, और बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस प्रीवियस वीडियो पर भी आ रहे हैं कि मैम प्लीज बताइए क्या ये सच है, क्या ऐसा होने जा रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि आज वाकई वो दिन है जब ये बड़ा फैसला जो है होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि प्रोफेशनली आई एम अ न्यूज एंकर, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो न्यूज चैनल के अलग होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अलग होते हैं। ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, जहां पर मेरे पर्सनली बहुत सारे जो यूजर्स हैं, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हर एक टॉपिक को लेकर वो विस्तार के साथ पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस प्लेटफॉर्म पर भी मेरे साथ जुड़े हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल फटाफट से, और उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर इस वीडियो में आज खास क्या है। तो इसीलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से जाकर इससे पहले वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बहरहाल अब आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल मैंने वीडियो क्रिएट किया था इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को लेकर, जो कि बड़ी खबर सामने आई थी कि जल्द ही केंद्र सरकार जो है फैसला ले सकती है और इन तीनों प्लेटफॉर्म पर बैन लग सकता है। जिस तरह से टिकटॉक पर बैन लगा था, ठीक उसी तरीके से इन तीनों प्लेटफॉर्म पर बैन लग सकता है। वजह क्या है, ये शायद अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि आखिर क्या कुछ कारण है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ जी कि आज 26 तारीख हो गई है, और 26 तारीख जो है वो डेडलाइन है, यानी कि फरवरी के महीने में केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी में बदलाव किया था और गाइडलाइन बनाई थी, और इन तीनों प्लेटफॉर्म को कहा गया था, यानी कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कहा गया था कि आप इन नियमों का पालन कीजिए और इसे लागू कीजिए। लेकिन 26 तारीख जो आज है, ये खत्म हो रही है डेडलाइन उस पॉलिसी को अपनाने के लिए, और अभी तक वो पॉलिसी जो है वो अपनाई नहीं गई है। यही कारण है कि केंद्र सरकार बड़ा फैसला आज ले लेगी, यानी कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जो है वो बंद हो सकता है आज। लेकिन क्या समय और मिल सकता है इन तीनों ही प्लेटफॉर्म को पॉलिसी को अपनाने के लिए, क्योंकि ये बात पहले भी सामने आई थी जब 3 महीने का समय केंद्र सरकार की तरफ से, आईटी मंत्रालय की तरफ से दिया गया था इन तीनों ही प्लेटफॉर्म को, तब उस वक्त इनकी तरफ से 6 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन उसे ठुकराते हुए 3 महीने का ही समय जो है वो सीमित रखा गया कि 3 महीने आपके पास है, आप गाइडलाइन जो है उसे फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आप पर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। अब क्योंकि समय पूरा हो चुका है, तो इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिसके बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, और ये विदेशी कंपनी है तीनों, और लेकिन भारत के भीतर बड़ी संख्या में इसने बिजनेस अपना यहां पर सेटअप कर रखा है, क्योंकि यूजर्स इतनी बड़ी संख्या में भारत से इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को मिले हुए हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार इन तीनों ही प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला लेती है, तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा झटका ना सिर्फ इन कंपनीज को लगेगा, बल्कि उन यूजर्स को भी लगेगा जो कि भारत में हैं, और यानी कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के यूजर्स को एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि इसी तरीके का झटका जब टिकटॉक बंद हुआ था, और ना सिर्फ टिकटॉक बल्कि इसके साथ ही कई चाइनीज ऐप जब बंद हुए थे, जब भारत और चाइना के बीच तस्वीरें किस तरीके से सामने आई थी विवाद की, उसके बाद केंद्र सरकार ने चाइना को बड़ा झटका देते हुए टिकटॉक को और कई चाइनीज ऐप को बंद किया था, जिस पर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि एक तरीके से लोग अपना बिजनेस जो है उस प्लेटफॉर्म के जरिए चला रहे थे, कमा रहे थे अच्छा खासा, लोगों को भी मुनाफा हो रहा था और कंपनी को भी मुनाफा हो रहा था। लेकिन क्योंकि चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना था, इसकी वजह से इस तरीके से एक्शन जो है केंद्र सरकार ने लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वही हाल, क्या टिकटॉक का हाल, टिकटॉक जैसा ही हाल जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का भी होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो सीरियस टॉपिक है या फिर जो हर रोज जिस तरीके से मामले आगे बढ़ते हैं, उसे लेकर भी ना सिर्फ एक क्षेत्र से लोग, बल्कि हर एक क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि सरकार जो है अपनी आईडी भी इन प्लेटफॉर्म्स पर चला रही है, लोगों तक जानकारी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुंचाती है।
तो क्या इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार झट ले सकती है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आज है 26 तारीख और आज की ही डेडलाइन है, और कहा यही जा रहा था, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज बंद हो जाएगा ये तीनों ही प्लेटफॉर्म। तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, आज शाम तक या फिर अगर पूरे दिन भर किसी भी तरीके से कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक जरूर ये पहुंचाऊंगी। लेकिन हाँ, आप ये जरूर समझिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल ये तीनों ही कंपनियों को बोला गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि ये विदेशी कंपनी है, लेकिन भारत के भीतर भी इन पर निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाई जाए, कुछ अधिकारी जो है वो नियुक्त किए जाए, ताकि यूजर्स को अगर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है या फिर कंटेंट पर नजर जो है वो रखी जानी बेहद जरूरी है। किसी भी तरीके से कोई चीज अब्यूज ना फैलाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे चीजों से बचने के लिए ही कहा गया था कि अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, उन अधिकारियों को नियुक्त किया जाए जो कि यहीं के हैं, यानी कि भारत का ही उनके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि विदेशी कंपनी है। तो इन पॉलिसी को अपनाने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया, ना फेसबुक की तरफ से, ना ट्विटर की तरफ से, ना इंस्टाग्राम की तरफ से। तो ऐसे में अब ये काफी ज्यादा, काफी हद तक लगने लगा है कि इस पर सरकार एक्शन ले सकती है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि इससे पहले का जो मैंने वीडियो क्रिएट करके ये बड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई थी, उसमें आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आए, हर कोई अपना रिएक्शन जो है इस पर दे रहा है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना रिएक्शन जो है वो देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं एक प्लेटफॉर्म पर जहां पर कोई जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो इसीलिए इसको भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या इस पर बैन लगना चाहिए, क्या इतने बड़े बिजनेस को झटका लगना चाहिए, क्या इतने बड़े यूजर्स को झटका लगना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले से ही किस तरीके से बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है युवा, और ऐसे में कई यूथ जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लोगों को एंटरटेनमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ तक कि जो पहले के वीडियो में जो कमेंट्स आए उसमें बहुत अच्छी चीजें मुझे ये लगी कि लोगों ने सोशल मीडिया को, चलिए ठीक है, एक तरीके से उन्होंने अब्यूज भी किया सोशल मीडिया को कि लोग जो है वो पढ़ाई से करते जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन यही सोशल मीडिया देखिए कितना आप लोगों को एंटरटेनमेंट देने का काम इस सोशल मीडिया ने किया है, क्योंकि कई यूजर्स के कॉमेंट जो इस तरीके से सामने आए हैं कि उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया ने ही हमारा लॉकडाउन का समय जो है इतना एंटरटेनिंग बनाया और हमें टेंशन फ्री सोशल मीडिया नहीं रखा है। तो यकीनन कह सकते हैं कि अगर किसी की कुछ अच्छाई होती है तो बुराई भी जरूर होती है। बहरहाल हमें इस बहस पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अब सरकार जो है किस तरीके का फैसला जो है वो लेती है। और आपके जहन में कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेंशन कीजिएगा, जरूर मुझे बताइएगा और सवाल जरूर पूछिएगा, ताकि अगले वीडियो में आपको अपडेट के साथ साथ मैं आपके सवालों के भी जवाब दे सकूं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।